नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल से टी टाइम स्नैक्स, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट। देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है और उसमें 6-7 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा काट कर डाला है और 3 हरी मिर्च हैं और ये डाली है मैंने सौंफ, 1 टेबलस्पून है सौंफ। और अब हम डाल देंगे इसमें चने की दाल। 1 कप चने की दाल को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, गर्म पानी में, तो फूल करके ये 1.5 कप हो गई है। अब इसको पीस लेंगे, दड़दड़ा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, दाल दड़दड़ी है, ज़्यादा बारीक नहीं करनी है और पीसते समय पानी नहीं डालना है। अब दाल को एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 प्याज, ये बड़े साइज का प्याज है, उसको बारीक काटा है, और ये है नमक, काट कर ही डालना, चॉप करके मत डालना प्याज को, और ये लाल मिर्च है 1 टीस्पून, और ये है लौंग और काली मिर्च कुटी हुई, 4 लौंग ली है और 8 काली मिर्च, और ये है कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। अगर प्याज को चॉप करके डालेंगे तो प्याज पानी छोड़ देगा, तो इसीलिए प्याज को आप काट कर डालना। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लौंग और काली मिर्च डालनी बहुत जरूरी है, उसको स्किप मत करना। अब ये हमने मिक्स कर लिया, अब इसको हम हाथों से शेप दे देंगे, हाथों को हल्का सा चिकना कर लेंगे। आप इसको पकोड़े की तरह भी तल सकते हैं, जैसे पकोड़े तले जाते हैं। किसी भी शेप में आप इसको बनाकर फ्राई कर सकते हैं। ये बना बना के ये रख लेंगे जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। इस तरह से बनाकर रख लेंगे। अब ऑयल हमारा गरम हो चुका है, हल्का मीडियम गरम हो जाए तभी हम डाल देंगे अपने स्नैक्स और लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज गरम नहीं चाहिए तेल, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाएगा, पक जाएगा, पर अंदर से अच्छी तरह से नहीं पकेगा। तो लो मीडियम फ्लेम पर ही हमने फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो बीच बीच में हम इसको पलट देंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चटनी के साथ खाइए या केचप के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, घर में सभी को पसंद आएंगे। बस जब भी आप फ्राई करें तो फ्लेम को आप लो मीडियम ही रखें, ज़्यादा तेज़ ना करें, तो कलर भी बहुत अच्छा आएगा और अंदर से अच्छी तरह से सिक भी जाएगा। तो देख पा रहे हो वीडियो में, अभी अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से अपने सारे स्नैक्स हैं उनको फ्राई कर लेंगे। अब बीच में से तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए अच्छी तरह से पक चुका है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक बार बना के देखिएगा और इसका टेस्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।